जी मैं ये बोलना चाहता संदीप, इसमें एक चीज और थोड़ा सा दर्शकों को बताना जरूरी है कि देखिए हिमाचल में अगर मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो बाय लक सीएम बने उनको छोड़ दिया जाए तो चार बड़े नेता हुए, वीरभद्र सिंह, शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल और जेपी नड्डा। ये चारों की चारों सीटों पर ऑपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे, जो इनके खड़े बिलासपुर से जो है वो कांग्रेस के आगे चल रहे हैं नड्डा की सीट से, रामपुर जो वीरभद्र सिंह की सीट थी वहां से बीजेपी आगे चल रही है, पालमपुर जो शांता कुमार की सीट है वहां से कांग्रेस आगे चल रही है, और जो प्रेम कुमार धूमल की सीट हमीरपुर वहां से इंडिपेंडेंट आगे चल रहा है। तो ये जो है ना पिछली बार वाला जो स्टॉलवर्ड्स को नीचा दी जमीन धूल चटाने वाली बात थी ना, कोई चीज इस बार भी दोबारा हो रही है। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ। नहीं, बड़ी दिलचस्प आपने ये जानकारी दी है कि जो बड़े बड़े नेता हैं अपने इलाके में हैं वो अपनी पार्टी को नहीं जिता पा रहे हैं। ये देखिए हिमाचल की ये भी एक कहानी है, अपने इलाके में नहीं, सूबे के बड़े नेता, अपने सूबे के, बिल्कुल अपने सूबे के बड़े नेता। पर फिर से एक बार गुजरात पर चलते हैं, और गुजरात में अब जो ये त्रिकोणीय बना दिया मुकाबला आम आदमी पार्टी ने, तो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता उनके विधायक भी हैं दिलीप पांडे, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो दिलीप, छह सीटों पर आप दिखाई दे रहे हैं, डेब्यू था आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी भी आगे चलते हुए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।